बच्चों कैसे हो आप। आज हम जो है अगली कड़ी में, जैसे कि हमने पहले दो वीडियो में आपको बता दिया था कि हम पहले पार्ट की भी जानकारी बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको, और हम थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे, ज्यादा एकदम से नहीं बताना है। तो हमने पहले संख्याओं को बनाने के बारे में बात करी। आज हम जो है आरोही अवरोही, वैसे कक्षा 5 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी हम इसका थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं कि आरोही अवरोही क्रम क्या होता है। तो पहले इसे समझ लेते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, इसको हम समझेंगे किस तरीके से इसे आरोही और अवरोही क्रम में लगा है। तो आरोही क्रम का मतलब क्या है? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ता हुआ, जैसे एक फिर दो फिर तीन फिर चार फिर पांच फिर छह, इस तरह से, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। सबसे पहले जो भी नंबर्स या आंकड़े आपको संख्याएं दी होंगी, उसमें सबसे छोटा नंबर जो है वो पहले आएगा, और जस्ट उसके बाद जो बड़ा होगा वो आएगा, और उसके बाद जो बड़ा होगा वो आएगा। ये एक एग्जाम्पल था, अभी हम दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? अवरोही क्रम। जस्ट अपोजिट क्या होता है? अवरोही क्रम, मतलब घटता हुआ क्रम। कैसा क्रम? घटता हुआ। तो घटते हुए में क्या होगा कि अवरोही क्रम का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर यही नंबर को हम लेते हैं और इन्हें हमें अवरोही क्रम में लिखना है, तो पहले 6 आएगा, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ऑलराइट, अवरोही अवरोही क्रम पहले ही आपने किया हुआ है, समझ में आया। दूसरा, जैसे स्टेप अप बनाते हैं, स्टेप अप देखे होंगे आपने, जब आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं आते जाते हैं, तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है अवरोही अवरोही के लिए कि जब हम ऊपर चढ़ेंगे तब क्या होगा? आरोही क्रम। क्यों? क्योंकि छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, और जब नीचे को आएंगे तब होगा अवरोही क्रम, तब हम बड़े से नीचे की तरफ आएंगे। जैसे आप घरों में सीढ़ियों से जब ऊपर जाते हैं तब होता है वो क्रम कौन सा? आरोही क्रम। और जब ऊपर से हम नीचे आते हैं तब होता है वो अवरोही क्रम। तो अच्छे तरीके से इसे समझ लिया होगा, मेरा कोशिश है कि आपने इसको समझ लिया। अब हम एक थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसमें देखते हैं। देखिए, पहला नंबर है 847, 9754, 8320 और 71। इनको हमें लिखना है किसमें? पहले लिखना है आरोही क्रम में। पहले किसमें लिखना है? आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए मैंने आपको बताया क्या? बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? स्मॉलेस्ट नंबर इज 71। दिस इज फर्स्ट, पहले ही है ना। इसके बाद दूसरा नंबर, देखो ये 4 डिजिट का है, ये भी 4 डिजिट का है, ये भी 3 डिजिट का। नंबर की पहचान कैसे करेंगे? और डिजिट से पहले, और डिजिट जब एक साथ बराबर मिलेंगी तब हम सैकड़े से चलेंगे दहाई में और इकाई में। तो अभी हमारे पास 2 डिजिट का था, सबसे पहले आ गया, फिर दूसरा ये वाला। अब ये भी 4 डिजिट का है, ये भी 4 डिजिट का है, लेकिन छोटा कौन सा है? तो सबसे पहले जो सबसे बाद का डिजिट है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर 1000 का डिजिट है 8, यहाँ पर है 9। तो 9 बड़ा होता है, 8 छोटा होता है, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई? थर्ड नंबर। और नाउ लास्ट, क्लियर? देख लेते हैं हम। 71 फर्स्ट, 847 सेकेंड, 8320 थर्ड, एंड 9754 लास्ट। अवरोही क्रम आरोही क्रम हो गया है, और अवरोही क्रम में कोई परेशानी है ही नहीं। आरोही क्रम अगर आपने समझ लिया तो अवरोही क्रम बिल्कुल इसके क्या है? अपोजिट है। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा, और उसके बाद उससे छोटा, और फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो आज के वीडियो में हमने आरोही और अवरोही क्रम को समझा कि क्या होते हैं, और उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर करके आपको बता रहे हैं, और आप भी जो है इसका प्रयास करेंगे देखने का, इसको समझने का, और अन्य एग्जाम्पल्स आप ले लेंगे अपने आप, और उससे इनका अभ्यास करेंगे। पहले 2 डिग्री के साथ कर सकते हैं, फिर 3 डिग्री के साथ, फिर 4 डिग्री के साथ। तो इसी तरह हम जो है आपको